आप लोग देखिए चेन्नई वर्सेस डीसी, ठीक है मैच नंबर 55। अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल में देख लें तो चेन्नई इट्स अ डू ऑर डाई, हारेंगे चले जाएंगे, सीधी बात है। एक टीम नॉकआउट, ऑफिशियली नॉकआउट हो चुकी है, वो नहीं जा सकती ऐसे में भी, और दूसरी टीम अगर आज चेन्नई हारी तो इनका काम खत्म हो जाएगा, और डीसी अगर आज हारी तो फिर भी रहेगी, बिकॉज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ अभी चांसेस है ऊपर की, इन सारी टीमों के पास चांसेस हैं। अभी चेन्नई के पास अब वो कुछ नहीं कर सकते, चेन्नई और केकेआर को सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, इनको 3-3 इनको 4-4, तब ये जाकर के कहीं एंड में इनका कुछ फैसला होगा। तो इट्स अ डू ऑर डाई फॉर चेन्नई, सीधे कौन जीतेगा कौन नहीं मेरी क्या एनालिसिस है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैच किधर हो रहा है, मैच हो रहा है आपका अभी तक की सबसे टफ पिच मैं बोल सकता हूँ डीवाई पाटिल, ठीक है डीवाई पाटिल में मैच हो रहा है। यहाँ आपको कम स्कोर देखने मिले हैं और कहीं ना कहीं इतना ईजी नहीं रहा है यहाँ रन बनाना, तो आज भी आपको वही स्कोर देखने मिल सकता है 160 तक का, ठीक है एवरेज यही स्कोर बन रहा है। लास्ट मैच में भी आपने देखा पंजाब क्या नाम था गुजरात ने ज़्यादा रन नहीं बनाए, सारे प्लेयर्स कोलैप्स किए और कहीं ना कहीं वो चेज हो गया था, ठीक है। तो इस पिच पे थोड़ी सी टफ होती है बैटिंग करना, बॉल थोड़ी आप बोल सकते हो रुक के आती है, नहीं तो स्पिन भी मदद मिलती है, मतलब कुछ गड़बड़ है इस पिच में, ठीक है। तो विकेट्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो ये पिच एक्चुअली में बॉलर्स की है जहाँ तक अभी हमने देखा है। तो बात करते हैं दिल्ली की, मैंने जो बोला था आपको कि एक टीम नीचे से ऊपर आएगी वो दिल्ली होगी, ठीक है। तो मेरे को अभी भी यही लगता है, दिल्ली की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लास्ट के तीन मैच में आप बोल सकते हो 2 मैच जीते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था, लखनऊ के साथ ऑलमोस्ट चेस कर गए थे, तो इनकी टीम में देखिए कोई कमी नहीं है। आज के मैच में अक्षर पटेल वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो इनसे और अच्छा हो जाएगा इनके लिए, ठीक है। और बाकी इन्होंने हटाया नहीं था पृथ्वी शॉ को, एक्चुअली में वो चोटिल है, मतलब उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे में वो अनफिट क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट प्रॉब्लम उनका यही हो रहा है कि वो सीरियस नहीं है अपने बैटिंग, आप बोल सकते हैं ये अपनी बैटिंग वगैरह को लेकर के सीरियस नहीं, जैसे विराट कोहली लोग हैं। पृथ्वी शॉ हमेशा इंजर्ड रहता है और ऐसे इंजर्ड प्रोन प्लेयर का कोई फ्यूचर नहीं, आप देखेंगे ऐसे में भी कुछ चीज़ें दिखाता है वो, कुछ चीज़ें इधर उधर की खाता रहता है। आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। चलिए वो सारी चीज़ मैं क्यों बोलूँ, मनदीप सिंह को मौका मिला था और भुवनेश्वर कुमार के सामने मौका मिला तो ये कुछ नहीं कर पाए, सीधी बात है बॉल स्विंग खा रही थी, लास्ट मैच इनका शायद SRH के ही साथ था और इनकी भी गलती नहीं थी। देखिए ओपन करवाना, अब इनके पास और कोई ओपनर है भी नहीं, तो मैच टू मैच आज का मैच मेरे हिसाब से तो नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। इनकी अगर एक बारी अगर मैं एक बार टीम देख लूँ कौन कोई और ऐसे प्लेयर है जिनको ऐसा मौका नहीं मिला, देखिए सरफराज खान ने अच्छा खेला था, पता नहीं उनको क्यों हटाया गया, ठीक है। ललित यादव अंडर यूटिलाइज है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाकी ठीक है, बाकी तो ऐसे कुछ है। श्रीकार भरत को ही खिला सकते हैं, एज अ विकेट कीपर हैं, बट पता नहीं अब इतने बढ़िया प्लेयर जिन्होंने लास्ट ईयर इतना अच्छा परफॉर्म किया, दिल्ली ने उनको ले लिया, बल्कि दिल्ली को मालूम था कि उनके पास आपके ऋषभ पंत है जो सारा मैच खेलेंगे। तो ये सारी जो एक लर्निंग होती है बंदे कर नहीं पाते IPL से, इसीलिए मेरे को खफा रहता है हमेशा कि जो प्लेयर जिनको एक्चुअली में खेलना चाहिए वो खेलते नहीं हैं। और आप बोल सकते हो क्योंकि IPL कहीं ना कहीं एक इंडिया के फ्यूचर के लिए होता है, और ये सारे प्लेयर सारा बेंच में बैठे रहते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, इनको कोई मौका नहीं मिलता, बहुत बहुत ख़राब लगता है मेरे को। चलिए छोड़िए, दिल्ली की टीम में कोई कमी नहीं, ललित यादव को अंडर यूटिलाइज क्रिकेटर है, मेरे को अभी भी लगता है इनसे 4 ओवर बॉलिंग करानी चाहिए, और ये बहुत ही बढ़िया बैट्समैन भी है। और मिचेल मार्श पहले मैच में स्लो खेले थे, फिर अब आते ही मार रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिल रहा है ना, आपको एक दिमाग में लग रहा है कि हाँ भाई 6 ओवर के जो भी रन है आप समझ रहे हैं ना, उसको आपको देखने मिलेगा कि ज़्यादा रन बन रहा है इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट में डेविड वार्नर का तो हर बॉल बल्ले के मिडल पर लग रहा है, ये मैं पिछले जैसे ही इन्होंने वो जो पारी खेली थी ना 119 रन जब इनको चेस करने थे तो डेविड वार्नर ने खेला था, उस टाइम पर ही मैंने आपको बोला था अब इसका ये आने वाले डेविड वार्नर लग रहे हैं, मतलब जो आज से ही 10 साल पहले आए थे 15 साल पहले उस टाइम के डेविड वार्नर लग रहे हैं, सारी बॉल बल्ले के मिडल पे ले रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप फैंटेसी वाले हो तो इसको कंटिन्यूस ले लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मिचेल मार्श भी अच्छी अब तो बॉलिंग भी कर रहे हैं, आपको और मजा देगा। बाकी ऋषभ पंत, ललित यादव, रोमन पॉल फॉर्म में है, ये तो हट ही जाएंगे आज, बाकी ये दोनों ये और अक्षर पटेल जब खेलेंगे तो अच्छी ऑलराउंडर हैं, बाकी 3 आपके बॉलर हैं, ठीक है। लास्ट मैच में हालांकि ये बंदे ने शायद गलत बनाया, ये तो नहीं खेला था मुस्तफिजुर रहमान, नहीं खेला था मेरे को याद है, हाँ लास्ट मैच में कोई तो एक प्लेयर खेला था, चेतन सकरिया शायद खेला था, ठीक है, तो उसने गलत बनाया है, तो बाहर के प्लेयर तो शायद ये 3 ही खिला रहे हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ लास्ट का मैच एंड्रिक नोकिया खेले थे, तो आज भी एंड्रिक नोकिया ही खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी है, वो थोड़े से अनफिट लग रहे थे पर अब ये अच्छा है, और एंड्रिक नोकिया भी आज के मैच में काफ़ी विकेट्स लेते दिख सकते हैं आपको, ठीक है, तो आप उनको अपनी फैंटेसी वगैरह में ले सकते हो, टीम में कोई दिक्कत नहीं है, टीम वही खेलेगी, ठीक है, क्योंकि वो विन करके आ रहे हैं। बाकी इनकी टीम में अभी सुनने में आ रहा है शायद शिवम दुबे फिट हो गए तो वो खेलेंगे, ठीक है, और ड्वेन प्रिटोरियस का हटना लगभग तय है और उनकी जगह ये ड्वेन ब्रावो को लेके आएंगे, ठीक है, तो ब्रावो आपको मिल जाएंगे आज के मैच में, ठीक है, तो सिमरनजीत सिंह की जगह आपके दुबे आ जाएंगे और इसकी जगह ब्रावो आ जाएंगे। बाकी ये दोनों की बॉलिंग अच्छी है, एक बार फटाफट देख लेते हैं, इनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, महेश तक्सीना कंटिन्यूसली बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लास्ट मैच में भी हिट किया था, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। मुकेश चौधरी लेफ्ट आर्म के अच्छे बॉलर मिल गए, जैसे मोहसिन खान है, मोहसिन खान इज़ द फाइंड ऑफ IPL, कहीं लिख के रखिए, उससे बेहतरीन बॉलिंग आज तक मैंने किसी न्यू कमर को करते नहीं देखी अपने पूरे ज़िंदगी में, मैं इंटरनेशनल की भी बात कर रहा हूँ, मोहसिन खान जैसे बॉलिंग कर रहा है ना, मतलब मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, ये तो इंटरनेशनल बॉलर लग रहा है भाई साहब, मतलब बॉल को कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, अपने मनमर्जी बॉलिंग कर रहा है,
मतलब बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है भाई साहब, क्या पिक था। मैंने उसी दिन बोला था जिस दिन वो अवेश खान की जगह आया था कि अब अगर अवेश खान भी आ जाए ना तो भी मोहसिन खान को मत हटाइएगा, बिकॉज आप अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं पहले मोहसिन खान को रखूंगा बाद में अवेश खान को रखूंगा। मतलब बेहतरीन लेफ्ट आर्म का बॉलर मिला है भाई साहब इंडिया को। चलिए ठीक है, सिमरनजीत सिंह पता नहीं क्यों खिलाया इन सबको, मेरे को तो समझ में कम आता है, बट इनकी टीम में अब ये जा करके डेवन कॉनवे को खिलाएं तो अब सारा मैच खिलाइए, टीम में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट आप बोल सकते हो। पर ये लास्ट मैच भी जीतता जीतता हार गए, क्यों हार रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज का मैच इससे डू और डाई, तो आप मेरे से अगर पूछोगे तो मैं अगर अभी के लिए अगर बोलूं तो आई विल डेफिनेटली बिलीव कि आज का मैच आपको चेन्नई देखने मिलेगी, जीतते हुए मिलेगी, बिकॉज टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं करेंगे। व्यूअरशिप बहुत कम हो गई है आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं चेन्नई मुंबई के बाहर होने से वो क्रेज़ खत्म हो गया है। IPL इन्हीं दोनों के बलबूते टिकता है हर साल, आप देखो इन दोनों में भले ही कोई टीम, एक टीम तो जाएगी, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर मुंबई जीती थी, लास्ट ईयर चेन्नई जीती थी, तो वो एक क्रेज़ है, वो क्रेज़ को कोई नहीं हटा सकता। अब राजस्थान जीतेगी तो ठीक है क्रेज़ रहेगा, बट इन्हीं सब के लिए आप बोल सकते हो व्यूअरशिप। आज भी अगर आप कुछ पुराने बंदों से पूछोगे तो बोलेंगे सिर्फ मैं धोनी को देखने के लिए IPL देखता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं विराट को देखने के लिए IPL देखता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं रोहित शर्मा पोलार्ड को देखने के लिए IPL देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, ठीक है, आपको व्यूअरशिप चाहिए, क्रेज़ चाहिए, तो मेरे को लगता है आज का मैच इनको जिताया जाएगा। ठीक है, ये आज का मैच आपको जीतते मिलेंगे। टीम कम्बिनेशन में, टीम में ये अगर ये कुछ बेकार प्लेयर को हटाते हैं, देखिए ड्वेन प्रिटोरियस में फिर बोल रहा हूँ कोई बेकार प्लेयर नहीं है, अगर इनको चौथे पे भेजा जाए तो अपने टीम में चौथे पे आते हैं और चार ओवर बॉलिंग दीजिए ना, तो इनको बॉलिंग मिल रही है, एंड में इनको बॉलिंग मिल रही है, पता नहीं क्या बोला जा रहा है इनको फेंकने को, तो इस तरीके से नहीं होता मेरे भाई। आप खिला रहे हो तो चार ओवर ईमानदारी से दो, स्टार्ट से दो, पर वो नहीं खिला पा रहे हटा दीजिए, सीधी बात है। आप मिस सेंटनर भी आपके पास अच्छी ऑप्शन है, पर आप नहीं खिला रहे, कोई बात नहीं ना, उसको आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे को मालूम नहीं। सीधी बात, आपका ड्वेन ब्रावो और आपके शिवम दुबे खेलेंगे तो दो स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर हो जाएंगे, बाकी इनके पास दो बॉलर हैं, दो ऑलराउंडर। जडेजा आज के मैच में आपको फिर बॉलिंग करते मिलेंगे, आज के मैच में फिर, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, मैन ऑफ द मैच हो सकता है एक मैच में मिल जाए, तो आप इसको अपने फैंटेसी में ले सकते हैं इजिली। और ऋतुराज गायकवाड़ वापस फॉर्म में आ गए हैं, बाकी डेवन कॉनवे फॉर्म में है, मोइन अली रॉबिन उथप्पा कहीं ना कहीं ओपन किए थे तो अच्छा खेले थे, अभी अच्छा नहीं खेल पा रहे, पर जो भी है ओवरऑल टीम में कोई कमी नहीं है और आज का मैच मेरे हिसाब से तगड़ा होगा, बट आपको ये टीम कहीं ना कहीं मिल जाएगी मेरे हिसाब से। बाकी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा टफ होगा, दोपहर के मैच से भी डिपेंड करेगा इस मैच में क्या होगा, ठीक है, क्योंकि दोपहर का मैच भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती है, जैसा मैंने बोला अगर वैसा होगा तभी काम बनेगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है वीडियो में, ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होना चाहिए, और बाकी मेरे हिसाब से आज के मैच में आपको टूर्नामेंट डेड ना करते हुए आपको चेन्नई विन मिल सकती है, ठीक है, नेक्स्ट मैच। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, डिस्क्लेमर, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, मे बी टेक, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन।